तो भाई यार आज हम सबसे पहले लैनी भैया से बात करना है, देखें क्या सीन है। तो भाई अभी लैनी भैया को किसी ऐसे आदमी के बारे में पता लगा जो कि साउथ अमेरिका वगैरह में काफ़ी ज़्यादा वेपन्स सप्लाई करता है, तो उसके बाद से हमें काफ़ी सारे हथियार मिल सके अपने बेस के लिए। तो एक तरह से अभी हम कालीन भैया को लूटने जा रहे हैं। तो भाई यार ये जहाँ तक है उनका कोई पुराना अड्डा वड्डा है, देखने से भूतिया महल लग रहा कतई, लेकिन क्या है ना ये है इनका कालीन भैया का पुराना अड्डा है, ऐसा लग रहा है गुड्डू भैया ने इसमें आग वाग लगा दी हो बढ़िया करके। तो भाई सामने से एक वैगन निकली है, हमें इसका पीछा करना, लेकिन इसे पता ही लगना चाहिए। एक सेकंड थोड़ा सा आगे निकल जान दे इसे। तो भाई इस दीवार के पीछे दुबक के देखें क्या सीन है आ गया, जो है भाई पुराने टाइम का त्रिपाठी निवास। तो अभी इसे इन्वेस्टिगेट करना है थोड़ा सा हमें, स्कोप खोल के। ये तो गार्ड है, इसको यहीं से हेडशॉट में बजा सकूं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में बजम्मा। और यो है इनका हथियार का हिसाब किताब सारा का सारा, ये डायनामाइट वगैरह है काफ़ी सारे। तो भाई अभी हमारे पे दो ऑप्शन है, या तो हम लैनी को आगे भेज दें, अब वो उनसे मतलब पहले दोस्ती की बात करें कि मतलब हाँ उनसे मतलब बातचीत करनी कोई इसका थोड़ी बहुत है, हम पीछे से फायरिंग कर दें, लेकिन भैया उसमें लैनी की जान को काफ़ी खतरा हो सका, तो हम क्या करेंगे डायनामाइट में शूट करेंगे, और भाई जब उनके यहाँ तबाही मचानी शुरू करेंगे। ये है डायनामाइट, हो गया धमाक का, लैनी आगे जा रहा। एक सेकंड, यो गार्ड्स निकल के आ गए, ये हो गया भाई साहब निकल तो हेडशॉट। सही है सही है सही है, एक सेकंड यो, अरे नहीं यार एक सेकंड, अरे यार बैठे जा रहे हैं, लगा नहीं इसके, चलो मर गया मर गया मर गया यार। इसके उठने बैठने से ना काफ़ी समस्या हो रही थी मुझे, बैठ तू एक सेकंड बैठ, अब यो मर गया बैठ तो ही। अच्छा लैनी भैया लैनी को मारेगा साले, मादर चोर पेल लिया भाई साहब। एक सेकंड रुक गया, यो लगा इसके हेडशॉट, अरे यार इसके हेडशॉट फेल दिया, इसके फेल दिया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे, अरे नहीं यार ये गलती से इस पर लग गया। चलो फायर करने के लिए तो तैयार है, चलो वो देखा कहाँ पे है। एक सेकंड यार ये मेरे शॉट क्यों मिस हो रहे इतने बहन के लोड़े, यो मार दिया सामने सामने सामने, भाग के कहाँ जा रहा। अरे यार एक सेकंड मशीन गन फायर आ रहा है, यो लगा मशीन गन वाले के हेडशॉट। इसकी माँ का हेडशॉट पेल के रख दूंगा ऐसे तो साले, अबे हट साले चीती हट बैठी चोर। चलो इसे लूट भी ले मैं, एक सेकंड यार अबे अबे यार बिल्कुल इसी में था यार, अब की बात हो गया। यो लग गया इसके हेडशॉट, इसके भी लग गया। तो चलो यार यहाँ के बंदर सारे फेल दिए, अब बस इसे एक सेकंड लूटपाट मचा लूँ पहले, फिर यहाँ से हथियार उठा के निकलना। तो चलो यार यो हथियार तो हमें मिल गए, लैनी भैया ने ढूंढ लिए इतने, हमने लूटपाट मचाई, अब इसे चढ़ के देखा है सब ठीक ठाक है या नहीं। तो यार कतई नई नई राइफल मिल गई एकदम। एक सेकंड कालीन भैया के और आदमी मिल गए, इनकी माँ का सारा आ जाओ। ये हो गया एक, ये तो टपक गया। एक सेकंड चल साले पड़ा पड़ा शूटिंग करेगा है बड़ा में से शूट आ रही भी। तो भैया फिर आगे शिकारी के पास में इससे बातचीत करें कुछ थोड़ी बहुत, यो जितना भी दारू का खेप है ना जो हम से लाए थे जंगल में से, वो इस पे शिकारी पे है इस टाइम, मतलब तो इसके अंडर में है अभी। और हम अभी से किसी को बेचने जा रहे हैं, तो चलो यार टेंशन का बात की चले सर, पूरी दारू की खेप को लेके बेचने, शिकार से लगे से कुछ तो पकड़ा।
ओ भाई देखिए क्या सीन है। ऐसा ही लगा जैसे कई बार हम जैसे कहीं पे जाते रहे, मतलब गाँव गाँव की साइड पे देखा था मैंने कभी कभी, जब मैं काफ़ी छोटा था जब देखा था मैंने ऐसे सीन, मतलब सड़क के दोनों साइड पे बड़े बड़े से पेड़ ऐसे सड़क को कवर कर रखे हैं, जब देखा था मैंने मज़ा आ जाए सही बताऊँ तो ऐसे में। तो भाई हम उससे कोई मतलब लेडी है इस घर में, उससे हम बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, तो इसने बात कर ली इनसे गार्डों से, और इसने कह दी कि मतलब हम कुछ नुकसान नुकसान नहीं पहुँचाने आए, हम सिर्फ बिजनेस की डील करने आए हैं, और अगर मतलब हम कुछ हरकत करें तो तुम हमें आराम से ठोक सको, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ यहाँ बिजनेस की डील के लिए आए हैं और कुछ हमारा इंटेंशन नहीं है हम वाम का। और एक गार्ड अभी हमारी गाड़ी के पीछे बैठा है, एक सेकंड, ओ नहीं 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 हथियार निकालना। हाँ तो एक गार्ड अभी हमारी गाड़ी के पीछे बैठा है भाई, भाई केस करता मैं। आंटी तो मेरे सामने साथ में कितने 3 4 बॉडी गार्ड रखा है भाई, सिक्योरिटी बहुत है इस आंटी में, और जहाँ तक अकेली रह है पूरे घर में, बिजनेस तकड़ा इसका भाई, जो पूरा आसपास का जो खेत वेत जितना भी है ना इसका पूरा इलाका इसी का बहुत बड़ा। तो भाई यार हम इससे कहने आए थे कि जो दारू हम तुम्हें हाफ प्राइस पे दे रहे हैं, भैया हमें तो कतई फ्री भी मिली तो जो भी मिला वही सही है, तो लेकिन इन्होंने कही थी ना कहे तो पहले ही हमारी होगी, और हम तुम्हें दोनों उठो के मतलब ले लेंगे दारू, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसने चची ने कही कि इन्हें पैसे दो, और अभी हमें क्या करना है, सैलून पे जाके इनके जो दारू है उसे बेच के एडवर्टाइज करना है इनकी दारू को। यो आंटी भाई कई बार हो गया हमारे गाड़ी टांगे के नीचे आने को तैयार हो रही बिल्कुल, हमारा टांगा इंगे थिंगे होने लग रहा है आंटी इसके नीचे आने को तैयार कर रही। तो भाई पहुंच गए सैलून में, सैलून इस टाइम पे वही हुआ था दारू का डालू ने गाड़ दिया इन्हें, चचा ने थोड़ा बहुत पैसा दे दिया $1 के आसपास, कहा के भाई जाके मजे लो पूरे, और हमें मतलब करीब करीब आधा घंटा दे दो सैलून पे काम करने के लिए। तो भाई चाचा ने घोषणा कर दी बेवड़ों के बीच में कि भैया सारी दारू फ्री है इस आधे घंटे के बीच में, तो भैया सारे कहते खुशी की लहर छा गई भाई सारे आ गए दारू पी रहे फ्री की, भाई सारों को अपने दबा के दारू पिया दी, और रात होगी ओ भाई सारे पागड़ा पान लग गए, जैसा मैं उस दिन केस हुआ था भाई सारों का हो गया ऐसे ही, सारे पागड़ा पागे पक करने लग रहे, बेल दो बेल दो बेल दो पूरी दारू। ओ भाई यार सारे बेवड़े कतई देखियो केस कर लगे सारे बेड़े बेवड़े बेड़े क्या बोल रहा हूँ यार मैं। तो भाई यहाँ थोड़ी सी टेंशन होगी, सैलून का मालिक आ गया, इन्हों कह के तुम हमारे साथ बिजनेस चलाना चाह रहे हो भाई, कतई लड़ाई बाजी गया एकदम से, ले उड़ा दी दारू हमने भी, चल हट साले हट तेरी माँ का, लगा भाई साहब बढ़िया वाला हेडशॉट, एक सेकंड ये लगा इसके हेडशॉट, अरे भाई 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 भाई, भाई वो कहाँ है वो रहा, ये लग गया हेडशॉट, ये इसमें पड़ गया बढ़िया, एक सेकंड अभी हमें हुंसिया के पास में जाना है शिकारी, ए शिकारी के पास जान दे हट तेरी माँ का, अत्थे भाई साहब पेल दिया, एक सेकंड तेरी बहन की हट साले, साले शिकारी को पेल लेगा, शिकारी का शिकार करेगा साला, फोड़ो इस लिकर की बोतल को, हट साली तेरी माँ का, लगा बढ़िया हेडशॉट भाई साहब, ये लगा ओ भाई, एक सेकंड एक सेकंड भाई साहब, शिकारी को लेकर कूद गया वो एक आदमी, चलो उसे तो फेंक दिया शिकारी ने, अब हमें जाना पड़ेगा फटाफट वैगन पे, अरे पीछे पड़ गए वो लोग तो हमारे, एक सेकंड यार इन्हें पेलना पड़ेगा, जो कट्टा ही काम आवेगा यहाँ पे, तो कहाँ है यो आर लग रहे, यो एक के लगा हेडशॉट, और यो एक सेकंड यार, अरे ये दूसरे पड़ गया यार, सही बताऊँ शिकारी चलावे बहुत गंदी तरह से गाड़ी, एक सेकंड भाई साहब फोड़ दिए इन्होंने तो, मोल्टो फेंकने लग रहे हैं पीछे, और हमारी गाड़ी में दारू भरी पड़ी यार, ये रिलोड क्यों नहीं हो रही, चलियो मर गया, एक सेकंड ये हो गया, एक बचा पीछे इसके भी लगा भाई साहब बढ़िया वाला हेडशॉट खतरनाक, यो लगा इसके,
एक सेकंड रीलोड कर लूँ एक बार। तो भाई रेल आ गई पीछे से। अरे एक सेकंड इस साइड भी है थोड़े से, यो लग गया इसके। एक पीछे आएगा, पीछे आएगा रेल की वजह से हम ज़्यादातर बंदों से तो बच गए, लेकिन कुछ अभी भी थे हमारे पीछे। तो भाई फाइनली निकल गए उस टेंशन सी से। एक सेकंड अभी आगे, यो एक सेकंड यार, मैंने सोची टेंशन खत्म होगी लेकिन अभी नहीं। चल साले, रीलोड करूं फटाफट। तो भाई शायद सब हमारा पीछा छूट गया उनसे। ओ भाई खेस यार। तो भाई यार अभी हम यार डिस्कस कर रहे थे, डस्टबिन के पास आ गए थे वहां से दारू वारू बेच के आराम से। तो हम यार डिस्कस कर रहे थे कि हमने आके यहाँ पे आके उखाड़ा क्या है, करा क्या है। तो भाई हम मतलब बताए थे कि कौन कौन हमारे दोस्त बने, कौन कौन दुश्मन बने। तो भाई ये है ना अपने राशि, ये कहे थे कि हम दोनों को लूटने वाले हैं, दोस्तों को भी और दुश्मनों को भी, और फिर यहाँ से कट लेंगे और भाई कहीं नई जिंदगी शुरू करेंगे बढ़िया और पैसों के साथ। तो यहाँ से भी निकल लेंगे सारों को लूट लाट के भाई साहब। और डच भैया भी इस बात पे एग्री हो गया यार, केस है भाई। अच्छा तो यार सही बताऊँ, इसके ना फादर का शायद से कोई बदला बदला है यहाँ पे, इस कारण से ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो यार आज के तो भाई दोनों एपिसोड बहुत तगड़े वाले थे, मजा आया होगा तुम्हें जरूर। और भाई आगे भी ऐसे बहुत सारे तगड़े तगड़े एपिसोड होंगे, तो मजा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।